जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ट्यूशन एटीजी पॉइंट पे, और मैं पास दीपक सर। चलिए बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए संस्कृत से 10 क्वेश्चन लाया हूँ। सिर्फ 10 10 क्वेश्चन है, जो 2 × 10 10 × 20, यानी कि जिसमें 10 में से 8 कन्फर्म पूछेगा। 8 क्वेश्चन इसमें से पूछेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे 16 नंबर का पूछा जाएगा एग्जाम में, जिसमें मैं 8 क्वेश्चन 10 दूंगा जिसमें से 8 कन्फर्म पूछेगा। इसलिए ध्यान से देखना है, मैंने ऑटो क्वेश्चन को राइट करके रखा हूँ, और जो भी क्वेश्चन के आंसर है मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है? समझ ध्यान से एकदम देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? चले, पहला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? तो ध्यान दीजिए बाबू, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम जो था वो पुष्पपुर था। क्या था? पुष्पुर या फिर कुसुमपुर। इस नगर के समीप पाटल पुष्पी का उत्पादन होता था, यानी कि फूल का उत्पादन होता था, ठीक है? संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी उसी पाटल पुष्प के शब्द से ही लिया गया है, इसी से पाटलिपुत्र नाम पड़ा है। शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता था। इसको मैं देखिए आंसर लिख कर दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिख दीजिएगा। कन्फर्म 2 में 2, 1 क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 दोनों का टोटल 16 नंबर हो जाएगा, ठीक है? चलिए लिख रहा हूँ, कह रहा क्या, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या था बाबू? पुष्पपुर था। क्या था? पुष्पपुर या कुसुमपुर है। क्या है उसका नाम? कुसुमपुर है, ठीक है? इस नगर में विश्वास कीजिएगा बाबू, यही पूछेगा। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, ठीक है? संभवतः, ध्यान दीजिए एकदम ध्यान से लिख लीजिएगा लो, संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी थोड़ा सा लिखने का दिक्कत इस पर नहीं है बाबू, लिखने का प्रैक्टिस नहीं, इसी वजह से ऐसा लिख रहे हैं हम। पाटल पुष्पों के प्रवलित होने के कारण प्रचलित है। प्रवलित होने के कारण प्रचलित है, ठीक है? शरद काल में कौमुदी महोत्सव होता था, ठीक है? यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर पर दृष्टिगत होता था। बस इतना लिख दीजिए और 2 नंबर ले लीजिएगा, बस इतना ही लिख दीजिए, 2 नंबर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है, क्या लिखा है, इसके बारे में क्वेश्चन। तो इसका भी हम लोग उत्तर लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे, राजशेखर ने, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पक्का आएगा इसमें से। राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र जो था
पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र होगा, शिक्षा का एक प्राचीन थी एक प्राचीन केंद्र था। ठीक है, यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए। विद्वान हुए ठीक है, यहाँ पाणिनि, कौन कौन का जन्म हुआ था यहाँ, पाणिनि, पिंगल, पतंजलि, सब कहाँ से थे, तो ये बहु पटना से समझ गए। पतंजलि योग शास्त्र का है ठीक है, पतंजलि आदि की परीक्षा ली गई थी। ली गई थी, हो गया, बस ये लिख दीजिए, कंफर्म पक्का 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार बताना है, यानी कि अलस कथा पाठ में लेखक ने क्या बताया है इसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे इसका उत्तर, हम लोग लिखेंगे लेकिन अलस कथा पाठ में, अलस कथा पाठ में लेखक विद्यापति, लेखक विद्यापति ने अपने विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि, विचार को स्पष्ट करते हुए कहा है कि आलसी व्यक्ति बिना परिश्रम के मतलब के बिना परिश्रम किए हुए, जीवन व्यतीत करना चाहता है। ठीक है, जीवन व्यतीत करना चाहता है, यानी कारुणिक व्यक्ति के बिना, बस इतना ही लिख दीजिएगा, नंबर एकदम मिल जाएगा। व्यक्ति के बिना वह अपने को मौत से भी नहीं बचा पाता है, नहीं बचा पाता है। आलस्य जो होता है शत्रु के समान है, ध्यान रखिए। अब आप लोगों को भी बोलता हूँ मैं कि आलस्य शत्रु के समान है, इसलिए आप लोग आलस छोड़िए, ठंडा में आलस छोड़िए और खूब तैयारी कीजिए। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म, इतना ही लिख दीजिएगा, काम एकदम एग्जाम में पक्का, आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, याद रही क्वेश्चन इसमें करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों के लिए। संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों के बारे में आपको बताना है, तो इसका भी उत्तर लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे चालुक्य वंश, की महारानी, चालुक्य वंश की महारानी का नाम क्या था, विजय भट्टारिका की महारानी विजय भट्टारिका ने विजयांका की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किया। या फिर दिया लिखिएगा, दिया। ठीक है, ध्यान से एकदम लिखना है, कोई घबराना नहीं है। लगभग 40 के आसपास उन्होंने, लगभग 40
दक्षिण भारतीय महिलाओं ने एक सौ पचास संस्कृत काव्यों की रचना की। एक सौ पचास संस्कृत काव्यों की रचना की है ठीक है। इन महिलाओं ने कौन कौन है, गंगा देवी थी ना। हाँ, इन महिलाओं में गंगा देवी, ठीक है, तिरुलाम्बा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा, आदि प्रमुख हैं, ठीक है। चलिए बाबू, इतना ही बस लिख देना, कुछ नहीं है, बिल्कुल चार नंबर मिलेगा। बस इस चार क्वेश्चन इस वीडियो में और पांचवा क्वेश्चन अगले वीडियो में दूंगा। तो बिल्कुल वीडियो शेयर करना है, बिल्कुल एकदम कंफर्म पूछेगा इसमें से। और बिल्कुल फ्री नोट्स लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। बिल्कुल, जय हिंद।